विक्की के मोजे कहाँ हैं? वही रखे हैं बिटिया। कहाँ हैं? मुझे तो मिल नहीं रहे। ये देखो, ये तो पड़े। ओ सॉरी, थैंक। इसका रुमाल कहाँ है? वो भी पड़ा है बेटा। ये रहा, रुमाल रखो जी। और सुनो विक्की, पापा को किसी चीज के लिए परेशान नहीं करना और ना ही जिद। ओके? आप हर बार तो यही कहती है, मैं तो उन्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं करता। यू आर अ गुड बॉय, यू आर अ स्वीट हार्ट। आप भी हमारे साथ क्यों नहीं चलती? मैं कैसे चल सकती हूँ, इतना सारा काम है मामा के पास, वो भी तो करना है ना। यू गो एंड हैव फन। ओके पापा, पापा जीत गए, अभी ले लेते हैं चल के। अमर, आज आप विक्की को जू ले जा रहे हो ना, इसका बहुत ख्याल रखना, ये हर पिंजरे में हाथ डालता है। Naughty little boy. Don't worry. शाम तक विक्की घर आ जाएगा ना? पहले कभी ऐसा हुआ है कि विक्की वापस नहीं आया? नहीं, वो बात नहीं है। चलो, आप बैठो। अच्छा साजिद भाई, ये बताइए आपका टूर कैसा रहा? बिजनेस के लिहाज से तो अच्छा रहा, लेकिन घूमने के लिए वक्त भी नहीं था, इरादा भी नहीं था और बीवी भी नहीं थी। आ मस्का, ऑल मस्का। हे, दिस इज अ न्यू एडिशन। हाँ, अभी पीछे एक हैंडीक्राफ्ट्स एग्जीबिशन में लिया था, पसंद आया? एस्थेटिक सेंस का जवाब नहीं तुम्हारा। अदावर से। और विक्की कहाँ है, वो नजर नहीं आ रहा आज? आज तीसरा संडे है ना, अमर के साथ गया है। निशा, केस का क्या हुआ? बस चल रहा है साजिद भाई। निशा, वैसे डिवोर्स तो हो चुका है, तुम्हें और अमर को सेपरेट हुए 3 साल हो चुके हैं, बट समहाउ आई फील, मुझे ऐसा लगता है कि अगर थोड़ी सी कोशिश तुम करो, थोड़ी सी अमर करे, बात बन जाए। यू नो, यू शुड थिंक अबाउट विक्की। विक्की के बारे में सोचो, उसके सामने उसका फ्यूचर है, उसकी ज़िंदगी पड़ी। सोचना क्या है साजिद भाई, मैं विक्की की माँ हूँ और वो मेरी नन्ही सी जान, कोर्ट में फैसला मेरे हक में ही होगा। निशा मेरी बात समझो, मैं क्यों कह रहा हूँ ये सब, अदालत दलीलों पे जाती है, इमोशंस पर नहीं। निशा, मैं एक बात कहूँ इफ यू डोंट माइंड, मुझे डर है कि तुम दोनों की ईगो हैसल्स में विक्की कहीं बिखर ना जाए। नाज, अमर के लिए विक्की उसके नाम और नस्ल का एक हिस्सा है। फॉर मी, विक्की इज माई होल एग्जिस्टेंस, वो मेरा अस्तित्व है। आप लोग क्यों नहीं समझते? फाइन, पर अमर के लिए विक्की उसकी बिजनेस एम्पायर है, और वैसे भी आजकल अमर और सुनंदा के खाना तैयार है। आइए खाना खाइए। चलिए। आओ ये।
कहाँ जा रहे हो भाई? सुनंदा से मीटिंग है। अच्छा, एम्बिशियस होना बुरी बात नहीं है हमारा, लेकिन उसके नशे में लोग जिंदगी की सच्चाई भूल जाते हैं, वही खतरनाक होता है। सुनंदा और मेरी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, इतने दिनों में हम एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह पहचान गए, लेकिन अभी तक मैंने उसे विकी के बारे में नहीं बताया। अच्छा, विकी के पाने के बावजूद भी तुम सुनंदा के साथ जिंदगी गुजारने का सपना देख रहे हो? उसमें क्या मुश्किल है, मैं उसे मसूरी शिमला या देहरादून भेज दूंगा पढ़ने के लिए। सब कुछ कितना आसान लगता है, कितना सिंपल, नहीं? बस देखते जाओ, अदालत का फैसला हो लेने दो, विकी मेरा हो जाएगा, फिर मैं सब ठीक कर दूंगा। एनीवे, ऑल द बेस्ट। राइट, चल से नेक्स्ट वर्ड विलेज लिखो, एक एल के दो एल विलेज में? दो एल। गुड, नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू ट्रिकी वर्ड, लिखो डॉटर। हेलो। हेलो निशा जी, मैं सोहेल बोल रहा हूँ, आज आप डबिंग के लिए नहीं आई, सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है सोहेल, दरअसल ऐसा है कि कल विक्की का टेस्ट है, इसलिए मुझे उसे पढ़ाना था, मैं डबिंग कल कर दूंगी। खन्ना साहब ज्यादा नाराज तो नहीं हुए? नहीं नहीं नहीं, लेकिन कल जरूर करवा दीजिएगा। हाँ हाँ, एक और बात, आपने फिल्म स्टार का नया इशू देखा क्या? नहीं मैंने तो नहीं देखा, कोई खास बात? आपके मियाँ अमर साहब ने इंटरव्यू दिया है, उन्होंने कहा है कि फिल्म की हीरोइंस की जिंदगी तो दिखावे की होती है, एंड आई हेट देम। खैर ऐसे स्टेटमेंट्स की कौन परवाह करता है, और कोई खास बात? नहीं नहीं, बाकी सब ठीक है। अच्छा सुहेल, आई सी यू टुमारो। ओके। अरे वे अंदर आ सकते हैं? कोई पूछने की बात है? वेलकम, हाय। कुछ मेहमान लाए हैं आपके लिए, इनसे मिलिए। ये भाई, इनसे इंट्रोडक्शन की क्या जरूरत है? हाय हाय। यार फोन तो कर लिया होता। घबराने की कोई बात नहीं है निशा, कुछ नहीं कही। अरे भाई ठीक से इनकी तो हम खातिर भी नहीं कर सकते, और तुम कहती हो। आप भी कमाल करते हैं, अगर आप नाज और साजिद के दोस्त हैं तो फिर ये फॉर्मेलिटी क्यों? व्हाट लक, निशा जी से मुलाकात हो गई। जरा ये जी ड्रॉप कर दीजिए और सिर्फ निशा कहिए, इन माय फ्रेंड सर्कल आई एम नोन एज निशा। इतनी बड़ी फिल्म स्टार को हम बगैर जी के बुलाएंगे? किस्मत इसको कहते हैं मियाँ। किस्मत तो आपकी शुरू से बहुत अच्छी थी, और कुछ मामलों में कुछ ज्यादा ही। अच्छा, नाज को बताऊं आपके किस्से, आपके कारनामे? पोर्टल मत खोलो यार, वापस की बात है। एक बात बताइए कि आज आप निशा के चक्कर में हमें बैठने को भी नहीं कहेंगे? आई एम टेरिबली सॉरी, लेकिन आई प्लीज कम। थैंक यू। वो इनको देख के मैं, वो कहते हैं ना शेर, आप आए घर में हमारे, खुदा की कुदरत है। आज शायरी कुछ ज्यादा ही हो रही है, क्यों नाज? बेकैफ है ये बूंदों की चमचम तेरे बा
शादी करूंगी। I love you. चलो आगे लिखो विक्की। क्या बात है काका, अब हर रोज दूध ऊपर लेके जाते हो और सुबह फिर नीचे लाते हो, क्या बात? सांप को दूध पसंद नहीं है का? अरे नहीं, ये बात नहीं है। अब हम तुम्हें कैसे समझा मैं? क्या बात है काका? बस यूं समझ लो कि बसा बसाया घर बिगड़ गया। अमर को मैंने इन्हीं हाथों से पाला है। बस इतना सा था जब मालकिन ये दुनिया छोड़कर चली गई रही, और इसके पिताजी को कहां फुर्सत थी? बस दिन रात बिजनेस बिजनेस बिजनेस। मैं ही जानता हूं कि मैंने अमर को कैसे पाला है। ऐसे में तो जी दुखता ही है काका। इस घर में मालकिन थी, विक्की बाबा थे, अब तो इस घर में बच्ची की किलकारियां सुनने को कान तरस गए हैं। वाह, क्या हंसी खुशी के दिन थे इस घर में। सोना मेरा, बस जब देखो उसी से बातें करते रहते हो। क्यों नहीं भाई, मुझसे तो बात करने की आपको फुर्सत ही नहीं है। छोना मेरा, छोना मेरा, छोना। अरे ये मेरा बेटा है आफ्टर ऑल। ओहो देखा, रुला दिया ना उसको। ना 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 ना, वो बोलता मेरा बेटा भी है, खाली आपका नहीं है। चंदू काका, क्या सोचने लगे थे? अरे कहाँ बताएं हम क्या सोच रहे हैं। वो किसी ने कहा है ना, रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चिटकाए, तोड़े से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ी जाए। उधर हमारी बहादुरों से नहीं मिला है, लगता है सुनंदा के चक्कर में बहुत बुरी तरह फंस गया है। मैं क्या करूं, तुम्हारा ही दोस्त है। अब वो चाहे सुनंदा के चक्कर में फंसे चाहे नंदा के चक्कर में फंसे, आई कुडंट बी बॉदर्ड। हाँ, तुम क्या बॉदर होने वाली हो? अरे वैसे हम क्या उनके बारे में बात करने के अलावा कुछ और बात नहीं कर सकते? देखो इस वक्त वो लोग तकलीफ में हैं, परेशानी में, हमारा फर्ज बनता है कि हम उनको हेल्प करें। आई एम अवेयर ऑफ दैट। हमारा बेटा सुनंदा बिटिया का ही है। हाय सुनंदा भाई, आई एम वेरी सॉरी अबाउट यस्टरडे। कल तो भाई ऐसा फंसा के बस। हाँ हाँ, आज जरूर चलेंगे, तुम जहां कहोगी वहां लंच करेंगे। ओके बाय। क्या हुआ बुआ? विक्की बाबा ऐसे ही एक गंदे पिल्ले को लेकर आ रहे थे। हमने कहा बेटा छोड़ दो, गंदा कुत्ता है, इन्होंने इतने जोर से पटका कि वो बेचारा क्या करता भाग गया। क्यों विक्की, मैंने आपको कितनी मर्तबा मना किया ना कि आप सड़क के कुत्तों को नहीं उठाया करेंगे, और ऊपर से आपने उसको पटका। अगर आपको कोई इस तरह से पटके आपको चोट लगेगी कि नहीं? अच्छा आप प्रॉमिस कीजिए कि आप आगे से ऐसा गंदा काम कभी नहीं करेंगे। आई प्रॉमिस। बुआ इनके हाथ पांव अच्छी तरह से धुलवा दीजिए और फिर वापस इनको मेरे पास लाइए, हम इनको ढेर सारा प्यार देंगे। चलो बाबा। आइए आइए
आजकल तो बड़े चर्चे हो रहे हैं अखबारों में आपके। Who cares, साजिद? आज का अखबार पढ़ा तुमने? यार तुम अपने हरकतों से बाज नहीं आओगे। अरे छोड़ो साजिद, अच्छा कॉफी मंगवाओ। कैसे छोड़ूं? और ये खन्नास की फैमिली रिफ्ट में तेरा नाम कैसे आया? भाई ये उनसे पूछो जिन्होंने छापा है। यू कांट फूल मी बिकॉज मैं तेरी हरकतें कॉलेज के जमाने से देखता आ रहा हूँ। अरे ये क्या हो गया तुझे आज? ये कॉफी कब आएगी? कॉफी तो मैं तुझे पिलाऊंगा और वो भी काली। लेकिन देख अमर, जो कुछ भी तूने निशा के साथ किया है लोग उसे भी भूले नहीं। निशा के मामले में मेरी क्या गलती थी? मैंने सिर्फ ये चाहा था कि शी शुड बिहेव लाइक अ वाइफ एंड नॉट लाइक एन एक्ट्रेस। वाह, क्या प्रोग्रेसिव थॉट्स हैं आपके। दुनिया जा रही है वुमेंस डे की तरफ और आपने उसे इसलिए छोड़ दिया कि नहीं, मैंने निशा को तब रोका जब विकी इग्नोर होने लग गया। मैं सब जानता हूं, सब। अरे क्या जानता है तू? देखो अमर, मुझे बनाओ मत। वो क्या कहते हैं कि जहां धुआं उठता है वहां कहीं ना कहीं आग जरूर लगी होती। खैर छोड़, कॉफी कहाँ है? मम्मी बहुत मजा आया। हाँ मैं जानती हूँ, कम माय स्वीट हार्ट निशा, इसे क्यों बारिश में नहाने दिया? सर्दी जुकाम लग जाएगा। कोई बात नहीं बुआ, बच्चों को सर्दी गर्मी बारिश सब बर्दाश्त करना चाहिए। देखा मैंने कहा था ना। कोई बात नहीं बुआ, आप जल्दी से बांध लेकर आइए। अच्छा इसके कपड़े मैं बदल देती हूँ, कपड़े देते जाइए। अच्छा हेलो जी सक्सेना साहब, एक मिनट प्लीज होल्ड कीजिएगा। बत्तू बुआ, विक्की को जरा गरम गरम दूध दे दीजिएगा। अच्छा जी। जी सक्सेना साहब जी, मुझे अच्छी तरह से याद है कि कल हमारे केस की डेट है। बस आपको यही देखना है कि अमर किसी भी हालत में विक्की को ना लेने पाए। मैं तो अपना पूरा जोर लगा रहा हूँ, पर मैडम बच्चा 8 साल कुछ महीने का हो चुका है, इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को हल करना आपका काम है, मैं कुछ नहीं जानती। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि विक्की मेरा है, मेरे पास है और मेरे पास ही रहेगा। वो तो ठीक है मैडम, पर अदालत तो फैक्ट्स पर जाती है ना। कैसे फैक्ट्स? जो एक माँ से उसका बच्चा छीन ले, क्या कानून ममता से बड़ा हो सकता है? वकील साहब, ममता तो भगवान का बनाया कानून है। अरे क्या तूने ममता ममता की रट लगा रखी है? मैं नहीं जानता ममता क्या होती है। मुझे तो इतना मालूम है कि पैसा फेंको, नर्स और आया बच्चे को पाल लेती हैं। अरे मैं भी तो बिना माँ के पला हूँ, तो विकी क्यों नहीं पल सकेगा? बचपन से अपनी माँ को ना जानना और बात है, लेकिन विकी ने अपनी माँ के साथ 8 साल जिए हैं, 8 साल। तुम उस कमी को कैसे पूरा करोगे? अरे मियाँ, बच्चों को जैसे ही अच्छे अच्छे खिलौने मिले, अच्छी चीज़ें खाने को मिले, तो वो सब कुछ भूल जाते हैं। और विकी मेरा बेटा है, मुझे प्यार करता है, मेरे साथ पूरा पूरा दिन बिताता है। आई एम नॉट अननोन टू हिम, तो इसमें मुश्किल क्या है? ठीक है दोस्त, क्या मुश्किल क्या आसान ये तो वक्त ही बताएगा। वक्त की बात नहीं साजिद, दरअसल मैंने वक्त को पकड़ा है। तुम क्या समझते हो मैं बेवकूफ़ हूँ जो उस वक्त मैंने विकी को निशा के साथ जाने दिया? दरअसल 8 साल से पहले मैं विकी को क्लेम ही नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने उसके 8 साल का होने का इंतज़ार किया। अच्छा, वैसे भी 5 साल के विकी को मेरे लिए संभालना मुश्किल था, लेकिन हाँ इस बीच मैंने उससे कॉन्टैक्ट बराबर रखा ताकि आगे दिक्कत ना आए। ओह, तो ये चाल इतनी गहरी थी, इसलिए तुमने महीने में 2 बार विक्की से मिलने के लिए निशा को बना लिया था। अच्छा एक बात बताओ, अगर तुम ये मुकदमा जीत जाते हो तो क्या तुम विक्की को निशा से मिलने दोगे? कभी नहीं, तब तो भैया गेम खत्म हो चुका होगा। नो मोर रिलेशंस एट ऑल। बस यार एक बार फैसला हो जाने दे, मैं विकी को सुखों के सागर में डुबो दूंगा। दुनिया की